चलिए वेलकम टू नेशनल मेगा स्टूडेंट, आई एम जीत कश्यप। चलिए आज भी हम बात करेंगे प्रपोजिशन की। हमारा प्रपोजिशन चल रहा है, जो प्रपोजिशन का क्लास है ये आपका क्लास नंबर 2 है, ठीक है। पहला क्लास मैं आपको दे चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखा है तो अपना सर्च करके उसको देख लीजिए। तो क्लास नंबर आपका 2 है प्रपोजिशन का, ठीक। और याद रहे प्रपोजिशन मैंने बताया था जैसा कि प्रपोजिशन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह आपका पूछा ही जाता है। और मतलब ये आपके चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे कॉमन एड्स हो, हर जगह ये आपका मदद करेगा ही करेगा जो प्रपोजिशन है। चलिए तो जो पॉइंट नंबर नेक्स्ट है वो आपको डाल लेना है। हमने जो छोड़ा था आपको याद होगा, हमने जो छोड़ा था वो आपका छोड़ा था किस पर, हमने छोड़ा था अबव पर, ऑन पर और ओवर पर। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है आपका बिलो, अंडर, बीनीथ। इन सब का जो मतलब है, इन तीनों का जो मतलब है, तीनों का मतलब जो है वो है नीचे, ठीक है। तीनों का जो मतलब है वो है आपके नीचे, किसी का मतलब भी ऊपर नहीं है। तीनों का मतलब क्या है, नीचे। और याद है अंडर और बिल्ली जो है इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इन दोनों का मतलब यूज, दोनों का यूज जो है हम मतलब सेम ही करते हैं, अंडर और ब्रिज। अंतर इतना है कि ये जो वर्ड है ये ओल्ड वर्ड है, ठीक है। ये जो है पुराना वर्ड है जिसको इस्तेमाल किया जाता था, अब ज़्यादातर क्या करते हैं, अंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो बिलो की बात करें और अंडर की बात करें, ब्रिज की बात करें, यूज की, तो क्या मतलब है बिलो का, क्या मतलब है बिलो का। मतलब ये है जब कोई मान लीजिएगा एक ये वस्तु है, ठीक है, मान लीजिएगा ये कोई वस्तु है, इसके नीचे कोई चीज़ आप करना चाहते हैं। मान लीजिएगा इसके नीचे चाहे तो वस्तु वो ऐसे हो, चाहे वो इस पोजीशन में हो, ठीक है, चाहे इस पोजीशन में हो, चाहे इस पोजीशन में हो। यानी कहने का मतलब ये है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे है और वो चाहे टच हो या ना हो, इससे हमें मतलब नहीं है, टच हो या ना हो, ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कह सकते हैं मान लीजिएगा ये मान लीजिएगा वस्तु है, ठीक है, ये ऊपर मान लीजिएगा कोई वस्तु है और इसके नीचे जो चीज़ें हैं ये चाहे ये टच है चाहे नहीं है, सो इन दैट केस वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज बिलो, तो बिलो ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा अंडर ऑफ ब्रिज की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि जब कोई वस्तु क्या हो, आपकी नीचे हो नीचे ही, लेकिन याद रहे कम से कम दो तरफ से घेरे हो, कम से कम दो तरफ से घेरे होने चाहिए। यानी जो नीचे वाली चीज है उसको कम से कम दो तरफ से घेरे होनी चाहिए, सो इन दैट केस वी यूज क्या, अंडर। उस केस में हम अंडर का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज दो तरफ से कम से कम घेरे हो, यानी ठीक है, यानी लिख सकते हैं कम से कम दो तरफ से घेरे हो, जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहा वी आर डॉट डॉट द फैन, मान लीजिएगा यहाँ पर ब्लैंक स्पेस आपको दे दिया जाए, वी आर और ये तीन ऑप्शन दे दिए जाए, बिलो अंडर बनी, इनमें से आपको लगाना, तो क्या लगाना पसंद करेंगे आप, बिलो। क्यों, क्योंकि जब आप फैन के नीचे हैं तो फैन के नीचे कैसे हैं आप, मतलब फैन आपके ऊपर चाहे वो टच है या नहीं इससे मतलब नहीं, लेकिन क्या है वो ऊपर तो है तुम्हारे, जो फैन है वो आपके ऊपर है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मतलब फैन के नीचे हैं, ठीक है। इसी तरीके से और देखिए एग्जांपल, तो नेक्स्ट मान लीजिएगा हमने कहा द डॉग इज डॉट 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 द टेबल, मान लीजिएगा ये है आपका
अब यहाँ पर आपको लगाना है बिलो अंडर ब्रेथ, इनमें जो कोई ऑप्शन को कहे तो क्या लगाना पसंद करेगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका अंडर, इसमें जो आएगा आपका वो क्या आएगा, अंडर आएगा। क्यों? क्योंकि तो जब टेबल की आप बात करते हो, टेबल के नीचे कोई मान लीजिएगा डॉग या कैट है, तो वो क्या है, टेबल आपको चारों तरफ से मतलब घेर रखती है उसको, ठीक है, चारों तरफ से उसको घेर देती है। अगर मान लीजिएगा उसके चार मतलब पाए होते हैं तो वो चारों तरफ से क्या है, उसको घेर लेती है। सो इन दैट केस वी यूज अंडर या फिर बीनीथ, कुछ भी लगा दो, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल, तो वी आर डॉट 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 द रूफ, तो वी आर डॉट डॉट द रूफ, तो बिलो अंडर ब्रिज में भी ब्रिज में से आप क्या लगाना पसंद करेंगे, सीधे सी बात है क्या आएगा, अंडर आएगा। वाई? बिकॉज हमको ये चारों तरफ से घेर रहती है, सो क्या आना चाहिए, अंडर आना चाहिए। इसी तरीके से हमने कहा ही इज डॉट डॉट पॉवर्टी लाइन। अब यहाँ पर कहेंगे बिलो अंडर ब्रिज क्या ऑप्शन करोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलो आएगा। मान लीजिएगा हमने कहा कि वो गरीबी रेखा से क्या है, वो नीचे है, ठीक है, यानी ये इज बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से क्या है, नीचे है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलो, क्योंकि पॉवर्टी लाइन कोई घेरेगी तो है नहीं, लाइन जैसे सीधा लाइन है यहाँ पर तो वो घेरेगी नहीं, ठीक, इस तरीके से। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने कहा ना, ऐसे हमने कहा हमारे जगह द रिवर, द रिवर इज डॉट 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 और द ब्रिज, द रिवर इज डॉट डॉट और हमने कहा द ब्रिज, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, बिलो अंडर ब्रिज, तो क्या आएगा यहाँ पर, आपका अंडर आएगा। व्हाई? बिकॉज जो ब्रिज है वो भी दो तरफ से घेर लेता है, ठीक है, यानी एक तरीके से ये मान के चलो ये जस्ट उल्टा है उनका, ओवर का, उनका अबव का, ठीक है, उनका जस्ट उल्टा है। जैसे आप ओवर में क्या करते थे, ओवर में ब्रिज को पहले ले आते थे कि भी द ब्रिज इज ओवर द रिवर, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें नीचे दिखाना है, तो द रिवर इज अंडर द ब्रिज, इस तरीके से, तो उसका जैसे उल्टा है, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है, और डाउट नहीं तो उसका फटाफट उसका स्क्रीन शॉट लो या वीडियो कॉल करके इसको ले लो जल्दी से। चले तो ले लिया होगा स्क्रीन शॉट, है आगे बढ़ा जाए, चले तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने जाना कि बिलो अंडर बीनीथ का इस्तेमाल हम कैसे करें, ठीक, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना है, और पसंद आया करें वीडियो तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करा करो, और जो नए हैं चैनल पर उनको सब्सक्राइब करके रख लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि कोई भी इन फ्यूचर वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट डाल लेना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, मान लीजिएगा आपको राउंड अराउंड और अलोंग को जाने का प्रयास करेंगे, यानी राउंड अराउंड और अलोंग, तो क्या करना है, तीनों का जो मतलब होता है वो होता है किनारे किनारे, ठीक है, तीनों का जो मतलब होता है वो होता है आपका किनारे किनारे, ठीक है, राउंड का भी अराउंड का भी और अलोंग का भी, बट तीनों के यूज में डिफरेंस है क्या है वो जरा समझ लो। तो मान लीजिएगा ये एक गोला है, ठीक है, ये मान लीजिएगा गोला क्या है, मान लीजिएगा ये पार्क है, ठीक है, ये पार्क है मान लीजिएगा, ठीक है, इसके अलावा चारों तरफ जो है इसके क्या है, मान लीजिएगा चारों तरफ इसके
पीरियड लगे हैं, ठीक है। मान के चलेगा चारों तरफ इसके क्या लगे हैं, चारों तरफ इसके मान लीजिएगा पेड़ लगे हैं, ठीक है। चारों तरफ मान लीजिएगा पेड़ लगे हैं, ये पार्क है, याद रहे। मान लीजिएगा इसके अगर चारों तरफ की अगर हम बात करें, किनारे किनारे की हम बात करें, तो अगर मान लीजिएगा हो तुम्हारा, जब आप कोई ऐसी चीजें बोल रहे हैं जहां पर बात है आपकी मोशनलेस की, मोशनलेस 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 का मतलब है जब गति ना हो, सो इन दैट केस वी यूज अराउंड, तब क्या करना, अराउंड का इस्तेमाल करना। जब मोशनलेस हो, जब मोशनलेस यानी गति ना हो, जिस सेंटेंस को आप बोल रहे हैं उसमें गति का भाव नहीं है, सो इन दैट केस वी यूज अराउंड। और जब मान लीजिएगा अगर मोशन है, अगर आपका मोशन है, सो इन दैट केस वी यूज राउंड, तब उस केस में हम राउंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। यानी जब गति नहीं है तो अराउंड आएगा, गति है तो राउंड आएगा। जब एग्जांपल अभी देखेंगे तो समझ आ जाएगा और अच्छे से। आए तो अलोंग का मतलब, अलोंग का मतलब क्या है, अलोंग का मतलब मान लीजिएगा ये कोई सड़क है, ठीक है, मान लीजिएगा ये कोई सड़क है और इसी के किनारे किनारे क्या है, इसके किनारे किनारे मान लीजिएगा पेड़ लगे हैं, ठीक। मान लीजिएगा इसके किनारे किनारे पेड़ लगे हैं और यहाँ पर मान लीजिएगा दोनों बात है, दोनों बात क्या है, मान लीजिएगा अगर है आपका मोशनलेस, मोशनलेस है तो याद रखना यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी आपका आएगा अराउंड। अगर मोशनलेस की बात होगी तो अराउंड आएगा, अगर मोशन की बात होगी, मोशन की बात होगी तो याद रहे सो इन दैट केस वी यूज अलोंग, तब हम अलोंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी जब रोड की बात हो ऐसे लंबे लंबे और किनारे किनारे की जब बात करनी हो तो मोशन अगर है तो अराउंड आएगा, मोशन लेस है तो अराउंड आएगा। और यहाँ मतलब इसका मतलब एक चीज को समझ में आएगी, मोशन लेस किनारे किनारे के लिए दोनों जगह अराउंड ही आएगा, बट अगर कोई लंबा लंबा है इस तरीके से रोड है, सो इन दैट केस मोशन के लिए हम क्या करेंगे, अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। और जब कोई घेरा है, कोई सर्कल है, तो इन दैट केस वी यूज राउंड, तब हम राउंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा वी आर सिटिंग डॉट 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 द पार्क, मान लीजिएगा वी आर सिटिंग डॉट 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 द पार्क। अब यहां कोई पूछे आपको भी क्या लगाना है, आपको राउंड लगाना है, राउंड लगाना है, अलोंग लगाना है, क्या लगाना है, तो मान लेगा पार्क है, तो पार्क का एक अपना घेरा होता है, अपना सर्कल होता है, अपनी एक लिमिट होती है, सीमा होती है। सो जब आप बैठे हैं तो बोलो कोई मोशन तो करने नहीं, सीधी सी बात, बस बैठे हैं तो क्या आएगा, अराउंड आएगा, ठीक है। आप मान लीजिएगा आपको बोलना है कि भी हम पार्क के चारों तरफ बैठे हैं, किनारे किनारे हम बैठे हैं, तो क्या आएगा आपका, अराउंड आएगा। इसी तरीके से और देंगे हम एग्जाम्पल, तो वी आर रनिंग डॉट डॉट द पार्क। अब मान लीजिएगा हमको बोला है कि हम पार्क के चारों तरफ मान लीजिएगा दौड़ रहे हैं, किनारे किनारे दौड़ रहे हैं, सो तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर मोशन है, ठीक है। अगर मोशन लेस है तो भी राउंड लगा दिया, अब मोशन है, गति है, तो गति का मामला है, तो क्या आएगा, राउंड आएगा, तो क्या राइट होगा आपका, राउंड, तो आएगा क्या आपका, राउंड आएगा, राउंड द पार्क, वी आर रनिंग राउंड द पार्क, ठीक। इसी तरीके से और एग्जांपल देख लो, दे आर ट्रीज डॉट डॉट द पार्क। मान लीजिएगा आपको बोलना है कि भी पार्क के किनारे किनारे मतलब पेड़ लगे हैं, तो क्या लगाना पसंद करोगे, बोलो अराउंड की, राउंड बोलो, तो क्या आएगा आपका, अराउंड आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी मोशन लेस है, जब पेड़ है तो पेड़ में कोई मोशन तो है नहीं, वो तो अपना स्थिर है, ठीक है। तो इन दैट केस वी विल यूज व्हाट, अराउंड, तो क्या आएगा आपका, अराउंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, इतना क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा नंबर फोर और एग्जांपल की बात करें तो हमने कहा देयर आर ट्रीज
डॉट डॉट द रोड, क्योंकि रोड के किनारे किनारे पेड़ है तो भी क्या लगाएंगे आप, तो भी जाएगा आपको आराम लगाएगा, क्यों, क्योंकि मोशन लेस है। और हमने कहा कि जब मोशन लेस है, चाहे इस तरीके का मामला हो, चाहे गोल का सर्कल का मामला हो, तो अराउंड ही लगाएंगे, ठीक। इसके अलावा हमने कहा वी आर रनिंग डॉट डॉट द रोड, हम मान लीजिएगा सड़क के किनारे किनारे हम दौड़ रहे हैं, अब इस तरीके की कंडीशन आए, अब कोई पूछे भाई राउंड अराउंड अलाउंड क्या लगाओगे, तो क्या लगाओगे आप, अलाउंड, ठीक। तो यहाँ पर जो आएगा आपका वो अलाउंड आएगा, वाई बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर एक रोड है, ठीक है, जहाँ पर सर्कल नहीं है, तो वहाँ पर हम राउंड ना लगा रहे, क्या लगाएंगे हम, अलाउंड लगाएंगे, ठीक, इस तरीके से। इसके अलावा मान लीजिएगा कहें कि भी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो क्या लगाना करोगे, सीधी सी बात है मोशन है उसमें, तो क्या लगाएंगे, राउंड, लेकिन याद रखना अराउंड भी आपका राइट होगा, ठीक है, जो राउंड है वो आपका 99% राइट होगा, ठीक है, 99%, ठीक है, 1% आपका अराउंड भी सही होगा, ठीक है, दोनों ही, क्योंकि कुछ मानते हैं कि नहीं घूमती है, कुछ मानते हैं कि घूमती है, इसलिए हम दोनों को सही मानते हैं। तो राउंड लगाओ अराउंड लगाओ पृथ्वी के लिए, यानी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बोलो अराउंड द सन, बोलो दोनों राइट होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट करो, डाउट नहीं तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लो, करिए जल्दी से। चलिए तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने जाना कि राउंड अराउंड और अलोंग में क्या अंतर होता है, तो राउंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब सर्कल मामला हो और वहाँ पर मोशन की बात हो, अराउंड का प्रयोग हम चाहे सर्कल की बात हो चाहे यू ही स्टेट बात हो, तो इन दैट केस मोशन नहीं है तो हम अराउंड का इस्तेमाल करते हैं, अराउंड का इस्तेमाल जब स्टेट बात है, ठीक है। इसके अलावा तो माने जैसे रोड है, तो जब आपका मोशन है सो इन दैट केस वी यूज अराउंड, तब हम अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट डाल देना है, और हम क्या सीखने जा रहे हैं वह हमारा अप अपॉन डाउन और अप्स डाउन्स। चले तो इनका इस्तेमाल हम कैसे कैसे करते हैं वो जरा समझ लो। मान लीजिएगा ये कोई हिल है, मान लीजिएगा ये कोई हिल है, ठीक, हिल मतलब ये पहाड़ी है, ठीक है, और ये पहाड़ी है, और याद रहे जितनी भी पहाड़ी है ऐसी कोई हमारे यहाँ पर पहाड़ी नहीं होगी जहाँ पर कोई एक छोटा सा मंदिर ना हो, जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हर जगह एक छोटा सा मंदिर आपको जरूर मिलेगा। मान लीजिएगा यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है, ये मान के चलो यहाँ पर एक जो है आपका मंदिर है, ठीक है, और जब मंदिर है तो कोई भी मंदिर जो है बिना बाबा जी के नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर कोई ना कोई महात्मा भी होगा, ठीक है, तो कोई ना कोई आपका महात्मा भी वहाँ पर होगा। और जब मान लीजिएगा पहाड़ी पर मंदिर है, महात्मा भी रहता है, तो उसका कोई ना कोई भी रास्ता भी होगा, तो रास्ता मान लीजिएगा ये सीढ़ी है, ठीक। अब मान लीजिएगा जब कोई व्यक्ति मान लीजिएगा ऊपर मान लीजिएगा नीचे से ऊपर की तरफ जाए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाए, सो इन दैट केस वी यूज अप, तब हम अप का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो हम अप का इस्तेमाल करते हैं, और जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आए सो इन दैट केस वी यूज डाउन, तब हम डाउन का इस्तेमाल करते हैं। सो इस तरीके से हम अप और डाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो अप का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप का इस्तेमाल करेंगे, जब कोई व्यक्ति ऊपर से आ रहा है तो डाउन का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अपॉन की बात करें तो अपॉन की बात करें तो जैसे मान लीजिएगा ये मान लीजिएगा ये आपका टेबल है, ठीक है, मान लीजिएगा ये टेबल है आपका, ठीक है, ये टेबल है, मान के चलिएगा ये टेबल है, और मान लीजिएगा यहाँ पर जो है, मान लीजिएगा यहाँ पर जो है आपका
डॉगी है, ठीक है। अब मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, मान के चलो सपोज करो, ठीक है, ये डॉगी है, ठीक है। अब ये डॉगी क्या है, यहाँ पर जंप किया इसके ऊपर, और इसके ऊपर जा करके मतलब यहाँ करके वो बैठ गया, ठीक है। अब वो यहाँ करके बैठ गया तो क्या है, जब ये यहाँ से जंप किया तो क्या है, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, तो अप, ठीक है, अप हो गया। और जब इस पे ऊपर जाके बैठ गया, और जब कोई वस्तु किसी चीज के ऊपर हो, टच हो, तो बोलो वो ऑन होता है कि नहीं होता है। सो इन दैट केस वी यूज व्हाट, इन दैट केस वी यूज अपॉन, तब हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से उठी, अप गई, और उसके बाद कहीं पे जाकर के स्थिर हो गई, तो वो मतलब ऑन हो जाएगा, अप ऑन, ठीक, यानी अप ऑन, इस तरीके से तो अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। अप्स एंड डाउन्स की बात करें तो इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। कैसे, एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा ही वेंट अप द हिल, तो ही वेंट अप द हिल, मान लेगा हिल, तो ही वेंट अप द हिल का मतलब क्या है, वो पहाड़ी के ऊपर गया, तो ऊपर गया, तो अंदर के स्कूल यूज व्हाट, अप, ही वेंट अप द हिल। मान लीजिएगा नीचे आया तो ही वेंट डाउन द हिल, ही वेंट डाउन द हिल, तो पहाड़ी से नीचे आया तो ही वेंट डाउन द हिल। इसी तरीके से द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी डॉग ने क्या है, जंप किया किस पर, टेबल पर, यानी अप हुआ और उस पर जाकर के मतलब स्थिर हो गया। इसी तरीके से कह सकते हैं नेक्स्ट, देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, यानी हमारी जिंदगी में क्या है, काफी सारे अप्स एंड डाउन्स, यानी काफी सारे उतार चढ़ाव होते हैं हमारी लाइफ में, तो देयर आर मैनी अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल सही है, तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं अप अपॉन डाउन, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट है तो कमेंट करो फटाफट, ठीक है। डाउट नहीं है तो अपना फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको लिखो जल्दी से, क्लियर हो जाए। चलिए तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़ा जाए। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं अप अपॉन डाउन और अप्स एंड डाउन्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट वो है आपका इन इनटू और इनसाइड, इन इनटू इनसाइड, तीनों का जो मतलब होता है वो होता है में, अंदर, भीतर। तीनों का जो मतलब होता है वो होता है में, अंदर, भीतर, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये कोई घर है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ पर छोटू है, चाहे कोई है, अब वो जब मान लीजिएगा घर है और घर में है वो, तो घर में अंदर है, ठीक है, तो इसके अलावा अंदर है तो इसकी अपनी घर की एक अपनी सीमा होती है। मान लीजिएगा जब किसी का भी कोई घर हो तो उसकी अपनी एक सीमा हो गया, वो घर के अंदर है तो उसकी अपनी घर की सीमा होती है, ठीक है। ऐसे तो यानी कोई वो लिमिट लेस होता है, उसकी अपनी एक लिमिट होती है, मान लीजिएगा वो 100 गज का है, 200 गज का है, जितने का भी है, तो जब घर के अंदर है, चाहे वो घर के अंदर खेल रहा है, कूद रहा है, फंद रहा है, लेकिन घर के अंदर है, ठीक है, घर में है। सो इन दैट केस वी यूज इन, तब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो अंदर खेले कूदे, ठीक है, उछले, कुछ भी करे, जो मन करे, अंदर कर रहा है, ठीक है, और अपने घर में कुछ भी करो, ठीक, तो इन आएगा।
मान लीजिएगा, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ से निकला, ठीक है, यहाँ से निकला और मान लीजिए किसी दूसरे के घर में ही जाने लगे, ये किसी दूसरे के घर में जाने लगे, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरे के घर में जाने लगे, किसी के अपने फ्रेंड के यहाँ जाने लगे, और जब ये जाएगा तो बोलो मोशन होगा, जब ये जाएगा तो मोशन होगा, ठीक है, यानी गति होगा उसमें। तो इसके अलावा प्लस होगा क्या, इसके अलावा हो सकता है फेज भी चेंज हो, यानी फेज चेंज हो, यानी फेज चेंज हो सकता है, मोशन हो सकता है। सो इन दैट केस वी यूज इनटू, तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। अब फेज चेंज का मतलब क्या है, फेज चेंज का मतलब है मान लीजिएगा इसका फ्रेंड है, अगर वो खुश होगा तो खुश होगा, तो ये भी जब खुश होगा मान लीजिएगा जा रहा है, मतलब हमारा जो फेज है वो हमेशा बदलता है, ठीक है। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हमारा फेज तुरंत बदल जाता है, जैसे मान लीजिएगा आप अपने दोस्त से मिलने हैं तो आपका फेज, आपका जो लुक है वो अलग होगा, पापा से मिलने अलग होगा, मम्मी से मिल रहे अलग होगा, ठीक है। सो जब मोशन हो, सो इन दैट केस वी यूज इनटू, तब हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे और बेहतर आप समझ पाओगे, जैसे मान लीजिएगा अपना ही घर है, मान कर चलो अपने घर में आप रह रहे हैं, ठीक है, अपने घर में आप रह रहे हैं तो अंदर हैं आप, अंदर है तो आप कुछ भी करो जो मन करें इन्हीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आप बाहर से आकर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, जब बाहर से आप आकर के अंदर एंट्री कर रहे हैं सो मोशन है, गति है, तो इनटू आपको लगाना है। सो इन दैट केस वी यूज इनटू, ठीक है भाई, आई एम कमिंग इनटू द रूम, भाई मैं कमरे में आ रहा हूँ, ठीक है, आई एम कमिंग इनटू द रूम, ठीक है। अगर कमरे पहले से है ऑलरेडी तो आई एम इन द रूम बोलो, आई एम प्लेइंग इन द रूम, ठीक है, आई एम वॉकिंग इन द रूम, आई एम जो मर्जी, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। आप बाहर से आ रहे हैं तो आप अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं, और वहाँ पर जब एंट्री करेंगे अंदर की तरफ तो क्या है आपके मोशन होगा, इसके अलावा फेज भी चेंज होगा। जैसे मान लीजिएगा आप अपने घर में अंदर घुस रहे हैं, मान लीजिएगा रात को आप कहीं घूमने चले गए और अपने आप अंदर आने का अपना मतलब डोर को खड़खड़ाया, अंदर जाना चाहते हैं, तो मोशन तो है ही है, इसके अलावा देखो फेज चेंज कैसे होगा, फेज चेंज कैसे होगा, मान लीजिएगा अगर कोई आपका कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई छोटू है, उसने दरवाजा खोला, आप उसको क्या करेंगे वहाँ पर, देखो आपके माइंड में जब आप रास्ते में आ रहे हैं तो एक डर है कि पता नहीं कौन खोलेगा, मम्मी खोलेंगे, पापा खोलेंगे, ठीक है, तो एक वो है डर का माहौल आपके अंदर। लेकिन पता चला कि दरवाजा खोल दिया छोटू ने, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, और उसको क्या है उसको डांट लगाएंगे दो चार, कभी कहाँ था तू, तू छोटू भाई है, इतनी देर से मैं खड़खड़ा रहा था सुन नहीं रहा था तू, तो मतलब क्या है आपका एकदम फेज चेंज हो जाएगा तुरंत। लेकिन पता चले कि वहाँ पर जो है खोल ले आपके पापा, आप पापा जब खोल ले तो आप क्या है वहाँ कुछ कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बस साइड में से चुप निकल लेंगे, क्या कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं, तो फिर ऑटोमेटिकली और ज़्यादा मतलब चेंज हो जाएगा। वहाँ तो जब आप बाहर आ रहे थे तब तो ये था कि पता नहीं कौन खोलेगा, एक थोड़ा थोड़ा था, लेकिन जब पता चला कि पापा जी नहीं खोले तो बिल्कुल ही बात खराब हुई, तो वो कुछ भी कहे कभी कहाँ से आ रहे तो कुछ मतलब जो है आप आंसर नहीं करोगे, चुप निकल जाओ अंदर की तरफ। इसके अलावा पता चले कि मम्मी खोल ले गेट को, जब मम्मी खोले गेट को, मम्मी पूछे भी कहाँ से आ रहे, तो वहाँ भी फेज चेंज होगा तुरंत, तो मतलब पता चलेगा कि हाँ चलो पापा जी ने खोला, एकदम रिलैक्स मिलेगा, और पूछेंगे मम्मी की मम्मी कहाँ से, बस यही ना, बस यही का था, यही था, तो यहाँ पर इस तरीके से आप करके चले जाए, तो मतलब फेज में आपका चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये है या तो फेज चेंज हो या हो मोशन, तो इनटू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम जानने का प्रयास करें, जैसे इनका जानने का प्रयास करें, आप बोलो आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम बोलो तो भी इन्हीं आएगा, आप बोलो आई एम प्लेइंग इन द रूम, ठीक है, आई एम प्लेइंग इन द रूम, आई एम वॉकिंग इन द रूम, जो मन करे वो बोलो, ठीक है, तो इन्हीं रहेगा आपका, क्योंकि जब आप एक घेरे में कर रहे हैं, एक अपने लिमिट में कोई एक काम कर रहे हैं तो वहाँ पर इन्हीं आएगा, ठीक है। आई एम प्लेइंग इन द ग्राउंड, आई एम सिटिंग इन द ग्राउंड, आई एम वॉकिंग इन द ग्राउंड, जो मन करे, ठीक है, ग्राउंड भी क्या है उसका अपने घेरा होता है, तो इन्हीं आएगा। लेकिन आप अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि भाई मैं कमरे में आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग इंटू द रूम, आई एम कमिंग इंटू द रूम, मैं कमरे में आ रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है मोशन है, ठीक है। सो मोशन के केस में हम क्या करते हैं इंटू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से नंबर फोर हमने कहा द बॉय जंप्ड इंटू द रिवर, मान लीजिएगा जो लड़का है वो क्या है रिवर में कूद गया, जब रिवर में कूदेगा तो बोलो मोशन होगा, गति होगा, इसके अलावा उसका फेज भी चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा,
मान लीजिएगा भाई वो है, वो नदी में कूदा है, बाहर तो क्या था वो, मतलब भीगा नहीं था, लेकिन अंदर जाएगा तो भीग जाएगा, तो वो लोग फ्रैक्चर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से सो इन दैट केस वी यूज व्हाट इनटू, इनटू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो इन और इनटू का मतलब सुनना क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा इनसाइड की बात करें तो इनसाइड का मतलब क्या है, इनसाइड का मतलब है अंदर के भी अंदर, इनसाइड का मतलब अंदर के भी अंदर। जैसे मान लीजिएगा ये कोई एक मकान है, ठीक है, ये अंदर एक कोई मकान है, और मान लीजिएगा इसमें भी अंदर के अंदर एक और पोर्शन है, ठीक है, अंदर के अंदर एक और है। जैसे कई बार आपके मान लीजिएगा रूम होता है, रूम के अंदर फिर से एक रूम होता है, ठीक है, कई बार बैठक है, बैठक के बाद फिर से अंदर रूम है। तो इस तरीके से मान लीजिए अंदर की जब बात हो, यानी अंदर के अंदर की जब बात हो, तो हम इनसाइड का प्रयोग करते हैं। वो भी कब करेंगे जरा समझ लो, आप अंदर ही बैठे हैं, आप अंदर बैठे हैं, अब कोई पूछे भाई राजू कहाँ है, अब राजू जो है वो कमरे में बैठा है और अंदर बैठा है, तो आप ये थोड़ी नहीं कहेंगे भाई वो राजू जो है अंदर है, तो वो क्या है वहाँ पर, मतलब इन्हीं थोड़ी लगाएंगे, वहाँ पर क्या लगाएंगे आप इनसाइड, क्योंकि वो अंदर के अंदर है, क्योंकि आप खुद अंदर है और आप फिर कह रहे हैं कि वो अंदर है, तो अंदर क्या है, वो अंदर के अंदर है, तो वहाँ पर हिंदी में तो आप अंदर ही कह देते, लेकिन वहाँ पर इंग्लिश में क्या आएगा आपका इनसाइड आएगा, क्यों, क्योंकि वो अंदर के अंदर है, क्योंकि आप खुद अंदर है, बाहर से आप कह रहे हैं चाहे वो किसी भी रूम में हो तो इन ही आएगा, ठीक है, वो घर में है, कमरे में है, कहीं भी है तो इन ही आएगा, लेकिन आप खुद अंदर बैठे हैं और जब कह रहे हैं कि राजू कहाँ भी, वो अंदर की तरफ है, तो आप वहाँ क्या कह रहे हैं, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ क्या करते आप बोलते हैं कि वो अंदर की तरफ है, तो अंदर वाले रूम में है वो, या ये कहते हैं वो अंदर वाले रूम में है, तो अंदर वाले रूम में तो वहाँ पर क्या आएगा, इनसाइड आएगा। जैसे आपको बोलना है तो वहाँ पर ही इज इन साइड द रूम, यानी वो अंदर के अंदर है, ही इज इनसाइड द रूम, या हॉल बोलो जो मर्जी बोलो, ठीक है, ही इज इनसाइड द रूम, ही इज इनसाइड द हॉल, ठीक, तो वो अंदर के अंदर है। इस तरीके से इन दैट केस वी यूज इनसाइड, तब हम इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, यानी अंदर की तरफ, इन मतलब अंदर, साइड मतलब की तरफ, तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ यानी अंदर के अंदर होना, तो इनसाइड, इनटू जब मोशन या फेज चेंज हो तो इनटू आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आपने देखा होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर कोई मोशन तो है नहीं भाई, लेकिन क्या है, फेज चेंज होता है। मान लीजिएगा कोई चीज़ हिंदी में लिखा है उसको इंग्लिश में चेंज करा रहे हैं, तो उसका फेज चेंज हो जाएगा ना, रूप बदल जाएगा। ऐसे मान लीजिएगा बर्फ है वो पानी में बदल गया, तो पानी में बदल गया तो इसका मतलब क्या है, उसका फेज चेंज हो गया, वहां पर मोशन नहीं है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज हो, या मोशन हो या फेज चेंज हो जाए, तो इनटू का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक बात, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, और डाउट नहीं तो मैं चाहता हूँ आप स्क्रीन शॉट ले लो या वीडियो पॉज करके उसको ले लो फिर जल्दी से। चलिए तो ले लिया होगा स्क्रीन शॉट इसका है, चलिए तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं ब्रेक करेंगे, ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है, पसंद आए तो, और अपना जो भी जैसा भी वीडियो आपको लगा अपना कमेंट करके जाया करो, ठीक है, अपना नाम बता कर जाया करो आप कहाँ से हैं, इसके अलावा फ्रेंडों के साथ शेयर करो, ठीक है, अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि इन फ्यूचर आपको वीडियो मिल जाए। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए।